हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी मसाले वाली चाय, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी तरीके से बनेगी। और इसके मसाले की रेसिपी मैं आपको घर पे ही बनाना बताऊंगी। आपको मार्केट से मसाला लेकर चाय नहीं बनाना होगा, घर के ही मसालों से बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी होगा। तो आप एक बार इस वीडियो को देख कर इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मसालों में मैंने ये एक तेज पत्ता ले लिया है, थोड़ा सा सौंफ ले लिया है, 8 से 10 काली मिर्च ले लिया है, 2 टुकड़े दालचीनी के ले लिए हैं और एक हरी इलायची, 2 लौंग और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इन सभी को हम क्रश करके साइड में रख लेते हैं। अब हम पैन में 1 कप पानी डाल देंगे और उसे गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती डाल देते हैं। अब मैं इसमें क्रश किया हुआ मसाला डाल देती हूँ। अब हम इसे 2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। 2 मिनट हो चुके हैं, पानी में उबाल आ चुका है, मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं पानी में, इनका टेस्ट आ चुका है पानी में। तो अब हम इसमें 1 कप दूध डाल देंगे। ये देखिए दूध हमने डाल दिया, हमने मलाई वाला दूध डाला है। अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए फिर से मीडियम फ्लेम पर करके पकाएंगे और इसे ऐसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। ऐसा करने से चाय में झाग आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, चाय अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच और आधा चम्मच चीनी डाल देंगे। फिर से हम 1 मिनट के लिए और पका लेते हैं, जिससे कि चीनी हमारा अच्छे से मिल जाए चाय में। 1 मिनट हो चुका है, अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। ये चाय हमारा रेडी हो चुका है सर्व के लिए। अब हम कप में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा मसाला चाय रेडी हो चुका है। ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा है और ईजी भी है। आप इसके मसाले पहले से भी बना के रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।